इधर देखिए जगह दिया जा रहा है इनको, तो पहले यहाँ बुकिंग करना पड़ता है। चलिए इधर पता करते हैं कौन सा झूला है। नहीं यार, कौन वाला झूला है? 26 साल से आ रहे हैं यहाँ किलकिला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय। तो फिलहाल मैं आया हूँ अभी किलकिला मेला देखने। वैसे तो मेला आज नहीं है, पर कितना ज्यादा दुकान आया है उसको मैं देखने आया हूँ। यहाँ देखिए मिठाई वगैरह तो लग चुका है, पहले से अपना दुकान सब चीज़ खोलने लगे हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा दुकान आया है बताया जा रहा है। तो मैं आज बुधवार हमारे यहाँ बाज़ार के बाद आ रहा है, तो चलिए दिखाते हुए आपको लेके चलूँगा कितना क्या क्या है यहाँ। तो अभी तो दुकान लग ही रहा है, होटल वगैरह होंगे यहाँ ज़्यादातर साइड में, तो होटल ही लगता है। इधर भी होटल ही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हमारे कृष्णा शेक वाले भैया भी आए हैं देखिए, और इधर पान बीड़ी गुटखा सिगरेट शायद। इधर देखिए जगह दिया जा रहा है इनको, तो पहले यहाँ बुकिंग करना पड़ता है, कोई भी आके यहाँ नहीं खोल सकता। जय महाकाल। चलिए ठीक है, जैसे हमको अगर दुकान खोलना है तो पहले से संपर्क बनाना पड़ेगा। ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वहाँ राजस्थान कहाँ काशी विश्वनाथ ऐसे ऐसे करके बहुत दूर। जैसे कि यहाँ पे हमेशा हमारे एक चाचा जी लगाते हैं, आए दिन जब भी आते हैं तो हमारे मेडिकल आते हैं, तो हमको पता रहता है। कहाँ से हैं चाचा आप? बनारस? गया कई जगहों से बोलिए। फिलहाल इधर थोड़ा घूम लेते हैं कैसा क्या सीन है, यहाँ भी दुकान खुलेगा देखिए। और इस बार मौत हुआ, पिछले बार मेला जैसे ही स्टार्ट होता था उसके बाद सेटिंग हो पाता था, बोलिए इस बार बहुत दिन पहले से आए हैं। तो चलिए पूरा फिटिंग फाटन हो गया, जादू वगैरह सब चीज़ तो आएगा बोल रहे हैं। देखिए उसके लिए बनाया जा रहा है पुतली डांस, पिछले बार आया था। इधर भी कुछ लगेगा, और इधर ब्रेकिंग डांस वगैरह। इधर देखिए ये क्या बनाया जा रहा है, ये तो टंकी बन रहा है, मेरे को लग रहा था मेला वाले ही होंगे, लेकिन टंकी क्यों बनाएंगे भाई, ये भी सीमेंटेड था। ये ब्रेकिंग डांस है। चलिए इधर भी हो गया, झूले का भी हो गया। मेला आया झूला ना झूले तो फिर क्या मज़ा मेला का। वैसे मौत लोग नहीं सक पाते, दिक्कत नहीं। और इधर देखिए मौत कुआँ वाला गाड़ियाँ, ये देखिए अल्टो, ये राजा गाड़ी है एकदम, बहुत बढ़िया सजाया गया है इसको देखिए, जब का लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये अपना डोंगा छाप, इधर मौत कुआं, मतलब सभी चीज़ जो जो मेला में आते हैं इस बार देखते हैं नया नया, ये मेरे को नया देखने को मिला है। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए शायद ये बच्चे लोग का है, ऐसे मिक्की माउस टाइप का है, इस टाइप का तो मैं नहीं देखा। और इधर शायद वही बच्चा वाला ही होगा ट्रेन घूमने वाला। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। वैसे कभी मेरा पूछना नहीं हुआ ये लोग झूला वाले लोग आते कहाँ से, मेरे को पता भी नहीं। चलो इनसे जानकारी लेते। वैसे भैया आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से बोले नहीं सुना मैं। नहीं, ये झूला वाले लोग कहाँ के हैं? सुसई। सुसई किधर होता है? सुसई कौन सा जिला? अच्छा झारखंड, झारखंड वाले हैं सुसई बोल के बोले। इधर देखिए वही ब्रेकिंग होगा। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। इधर क्या क्या है, ये छुप छुप ट्रेन बच्चे लोग के लिए बोलिए। ये नया देखने को हमें मिल रहा है शायद, अरे मेरे को लग रहा है ये पलटाने वाला टाइप का है, कुछ नया आया है इस बार। चलिए तो फिटिंग फाटन होगा फिर पता चलेगा किस टाइप का लगेगा। इधर तो यही पुराना वाला है, बाकी इधर वही दुकान उकान होटल वगैरह है बोलिए। खुदाई वुदाई चल रहा है, अभी तो समय है। यहाँ देखिए बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया। चलिए इधर पता करते हैं कौन सा झूला। नहीं कहा यार, कौन वाला झूला है? वो पलटा एक वाला है, पलटाने वाला झूला है कि तो सीधा पलटा देता है वही, तो डोंगा वाला नहीं, डोंगा वाला तो ये किस टाइप का है? ये वाला सीधे इसमें घुमाते ना, डब्बा वाला। अच्छा 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 अच्छा, राम ढेलुआ। अच्छा गोल वाला है तो ऊंचा जाएगा ना ये? बहुत ऊपर वाला है। ठीक ठीक ठीक, उसी को जानकारी चाहिए। चलिए मेरे को लग रहा था पलटाने वाला होगा करके, बता रहे हैं कि हम लोग तो राम ढेलुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इधर आगे चलते हैं, इधर क्या क्या दुकान है देखते हुए निकलेंगे। इधर बन जाएगा मेरे ख्याल से, इधर तो होटल ही खुल रहे हैं लग रहा है। कहाँ खोल रहे हैं भैया होटल? यहाँ पे ठेला खुलेगा होटल। चलिए चाउमीन गुपचुप वगैरह तो इधर ही लगता है बोलिए, झूला साइड ही ज़्यादातर बिकता है इतना भी मैं देखा हूँ। बाकी इधर तो वही ट्रेन छुप 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 वाला, इधर गुपचुप की दुकानें हैं, इन लोग का तो ओपनिंग हो जाता है बोलिए मेला से पहले। कैसे हो, चला था है मेला से पहले?
देखा देखा पहले लेना कड़ी काम झाम करे के लागे ओ समिति मन से ओ करा ने संपर्क तो कहा वही रोड अंकर हो लेकिन ये आसपास ठीक चली तुम कबर की झूला जहाँ पे रहता है वहाँ पे भीड़ ज्यादा होता है तो यहीं आसपास में आप लोग देखिए जगह नहीं पता करा जगह बहुत रहल बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है जगह ऐसी लास्ट में फिर दूसरा कोई आके ऐसे बैठ जाता है तो संपर्क भी होना चाहिए सही आदमी के पास नहीं पहुंचने से दिक्कत होता है बोलिए बाकी इधर तो बाजार लगता है बाकी इधर भी कुछ ना कुछ फल फूल से लेकर हर चीज़ इधर ज़्यादा बैठने के लिए आदमी नहीं होता है ज़्यादातर झूला साइड ही आदमी लोग जाते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ उधर ज़्यादा देखने को मिलता है बोलिए बाकी चलिए इधर तो गुपचुप की दुकान इधर चलते हैं हम लोग गए थे उस साइड अब आपको मैं घुमाता हूँ इस साइड देखते हैं इधर का क्या सीन है इधर फूल वाले भैया हैं वापसी में देखेंगे फिलहाल इधर जूता चप्पल मनिहारी घड़ी यही सब ज़्यादा आता है बोलिए आज मैं मेला से पहले दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इच्छा जागे अपने मन में कि हाँ भाई मेले में दम है तो हम लोग आके थोड़ा सा घूमें मेला और भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करें बाकी इधर तो वही कढ़ाई वगैरह शायद बेचेंगे या फिर होटल खुलेगा यहाँ लग रहा है और चलिए देखते हुए इधर निकलते हैं अभी तो समझ में भी नहीं आएगा बस वही सब अपना तो प्लास्टिक वगैरह लगा रहे हैं खुलने के बाद ही वो कल परसों तक ये लोग खोल लेंगे समझिए आज रात भर में धड़ाक धड़ाक काम होगा पहले से बहुत लोग तो खोल लिए जैसे कि यहाँ देखिए ये वाले भैया कहाँ से हैं भैया कहाँ से हैं हैं झारखंड अच्छा चलो ठीक चलो इधर देख के आते हैं कैसे क्या है ज़्यादातर हमें झूला वगैरह और ये सब जितना भी आइटम है नया नया देखने को मिल रहा है सब झारखंड से ही है और इधर तो ये क्या है यार ये शायद आइसक्रीम वगैरह कुछ होगा खाने पीने वाला बाकी इधर चश्मा की दुकान इधर ही लगता है हर साल इधर तो बंद है चले स्टॉप हो गया इधर से देखते हुए चलते हैं देखिएगा तो भैया चलिए इधर बैग वैग की दुकान है इधर वही मनिहारी सामान बैग वैग लगभग सारा चीज़ है जो पिछले बार आया था दिया को तो आप लोग देखे ही होंगे कितना बड़ा एरिया में लगता है मेला और जो जो लोग नए हैं वो लोग जब भी मैं इधर आता हूँ तो लोगों को तो दिखाया हूँ बोलिए मैं घूम रहा हूँ अभी भी मेरे को बहुत सारा जगह घूमना है अभी तो आधा नहीं घूमे हैं समझिए हम लोग बाकी चलिए जितना हो सके आपको दिखाएंगे और जाके अभी तो मेडिकल भी खोलना है तो मैं सोचा मेडिकल जाने से पहले कम से कम आप लोग को थोड़ा मेला घुमा लूँ यहाँ भी कुछ कुछ दुकान खुल रहा है यहाँ एक जगह आपको ऐसी खाली नहीं दिखेगा हर जगह कुछ ना कुछ दुकानें दिखेंगी ही दिखेंगी तो चलिए आए हैं तो थोड़ा हम आपको भोले बाबा का जी का भी दर्शन करा देते हैं यहाँ से तो आपको पता होगा हमारे किलकिलेश्वर धाम में आपको चारों ओर मंदिर ही मंदिर दिखेगी राधा कृष्ण जी का महाकाल जी का नवग्रह का एक बार आप विजिट करें जसपुर जिला में पत्थलगांव ब्लॉक में एक छोटे से गांव किलकिला नाम की जगह में ये है बोली की गाड़ी शायद लाए हैं पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं हमारे बाबा जी यहाँ देखिए हाँ बाबा जी सब बोलो तो दर्शन करते हैं हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से चुन्नू के शादी में ही आए थे उसके बाद आज आ रहा हूँ बोलिए तो चलिए मंदिर का एक परिक्रमा कम से कम करना चाहिए गैस हमारे भाई के शादी में इन्हीं का टेंट लगा था हमारे जीजा जी के मतलब कार्य को संभालते ही नहीं लोग बोलते क्या आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी लाइटिंग का काम कर रहे हैं ये सब लाइटिंग ना जुगुर बुगुर वाला और कहाँ कहाँ लग रहा है पूरा यहाँ से जितना भी लग रहा है चलिए ठीक तो टेंट वगैरह लाइट वगैरह सारा चीज़ का काम ये लोग करके देंगे आपको हर चीज़ इधर तो आपको घुमाया हूँ फिर भी दूर से एक बार आपको मंदिरों का दर्शन करा देता हूँ आप लोग दर्शन कर लीजिएगा बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं तो बाबा जी के साथ फोटो वगैरह याद के लिए अपना रखे रहते हैं बोलिए खाई को तो आस बाबा समझे आस भी ए काली झरना को जाई छली रे मु हां झरना तो आज छोटा काली के लिए मोर बाबू का झरना काई गल ए तो झरन जाई थी लो ने जाई थी हां कितने भीड़ भाड़ थी ले बहुत माया माने बहुत यार कोई कहाँ कहाँ से माया मनु सब बोले हमारे नगर सरकार आओ अरे
नहीं बाबा क्यों मंदिर शंकर मंदिर शंकर महाकाल सब महाकाल सबको अच्छा अच्छा भी है पूजा पाठ पूजा पाठ कलर मुझे चालू छन देरे सके बाजा बगे ले चालू सर कल से यात्रा में सर बहुत भव्य यात्रा बाहर थी ने चलो ठीक है रात में अच्छा लगला। तो बाबा जी बता रहे हैं झरन नामक एक जगह है हमारे एरिया में, मतलब चट्टान के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, वहाँ कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो हमारे बाबा जी गए थे वहाँ। उसी को बता रहे हैं कि वहाँ महाकाल जी का मंदिर है और भी कई दर्शन वर्शन करके आए। वैसे नारियल वगैरह आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको हर जगह मंदिर परिसर में कहीं ना कहीं नारियल वारियल दिखेगा ही दिखेगा। सभी लोग अक्सर मैं लेकिन जब भी आता हूँ मेरा ही बताऊँ तो मैं बाहर से ही लेके आता हूँ, मेरे को ये याद से उतर जाता है कि भैया हाँ ऐसी दिन में भी, मेले टाइम में तो अलग बात है बाकी ऐसी दिन में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लगाए रहते हैं अपना पूजा पाठ के लिए जितना भी सामग्री, बाकी देखिए अभी मांडा नदी काफ़ी ज़्यादा पानी है देखिए इसमें, तो यहाँ आके आप सुबह सुबह नहा सकते हैं। गंगा के समान पवित्र माना जाता है इस जल को, मांड नदी बोलते हैं इसको हमारे साइड से। तो गाइस चलिए मैं बाहर आ गया, अब लास्ट लास्ट का दुकान देखते हुए हम लोग चलेंगे, रोड साइड साइड में ही दिखा के आपको लूँगा। तो देखिए अभी तो लग रहा है बोलिए लगा नहीं है, जब लगने के बाद तो यहाँ इतना भीड़ हो जाता है दुकान से ज़्यादा इंसान ही दिखता है बोलिए। तो ज़्यादातर कृष्णा नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, कुल्फी वगैरह में तो इसी का नाम ब्रांड बन गया है इस एरिया में। तो देखिए यहाँ से कृष्णा शेख सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और इधर खुरमा उरमा गांव देहात में तो जान रहे हैं, और इधर भी कुछ कुछ फूल वूल वाले। पिछली बार एक मैडम आई थी ज़बरदस्त फूल बेच रही, शायद आई होगी अभी लेट हुआ होगा। वहाँ हमारे भाई लोग भी दुकान लेके आए हैं, बहुत सारा दुकान है, ज़बरदस्त भीड़ होने वाला है भैया आप लोग ज़रूर आएँ। इधर देखिए लग ही रहा है सब जगह के लिए अपना यहाँ पे बुकिंग करवा रहे हैं बोलिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ भाई इतना भी मेरे को जगह चाहिए, उसी हिसाब से शायद पेमेंट लेते होंगे, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी फूल का नाम आया मेरे जुबान में, तो यहाँ पे फूल वाले भैया भी हमें दिख गए। कहाँ से हैं चाचा? अच्छा अच्छा हर साल आते हैं, चलिए हम भगवान से दुआ करेंगे कि इस बार अच्छा चले आपका दुकान। 26 साल से आ रहे हैं यहाँ किलकिला? मैंने रखता है भैया 26 साल, हमारा उम्र हो गया 27-28 बोलिए, मतलब हमारे पैदा नहीं हुए थे, पैदा तो हो गए थे बाकी बहुत छोटे से थे उस समय से आ रहे हैं बता रहे हैं। बाकी इधर तो ज़्यादातर वही खुरमा वगैरह मिठाई की दुकान आपको दिखेगी। इधर देखिए बहुत लंबा चौड़ा सा, देखिए आदमी का होगा मेरे ख्याल से, तो अपना लंबा बना के रखें ताकि कस्टमर इधर उधर ना भागे। चलिए ये अच्छा जुगाड़ है, जितना लंबा चौड़ा करेंगे आपका दुकान उतना कस्टमर कम से कम कन्फ्यूज तो नहीं होगा कि हाँ भैया यहाँ से ले कि वहाँ से ले, ये काफ़ी क्या बोलना चाहिए कि हाँ अच्छा दुकान है तभी इतना बड़ा है, मांग ज़्यादा होगा डिमांड करके कोई भी सोचेगा। दोपहर का समय हो गया, मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं वैसे आज आऊँगा नहीं करके सोच रहा था क्योंकि कल रात से मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, बुखार अभी जुकाम एक दो दिन से ऐसा तबीयत ख़राब हो रहा है आदमी लोग का, मेरे को भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ गया टाइप का लग रहा है। वैसे चले मैं सीधे घर आ गया, और आप लोग शुक्रवार को मेला देखने अवश्य आइएगा, बहुत ही फेमस है हमारे एरिया का, जो लोग नहीं देखे वो लोग तो जरूर विजिट कीजिएगा, बाकी जो लोग जान रहे हैं वो लोग तो हर साल आते ही होंगे हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आज के वीडियो देख के आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय।